नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, किसी भी पीटीओ के साथ में, जैसे रोटावेटर है, रिपर है, कोई भी इम्प्लीमेंट होया किसी भी तरीके का, एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है इसका, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक फार्मूला यूज किया जाता है इसके अंदर, आज वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और चक्कर कैसे मैच करवाओ है, जैसे भाई एक या तो टैकोमीटर हो या फिर हर किसान के पास टैकोमीटर नहीं होता, तो टैकोमीटर के बिना आदमी आप अपने घर पर चक्कर कैसे मैच करवा सकते हो, रोटावेटर है कोई भी चीज़ हुई उसके, और कितने चक्कर होने चाहिए, कितना क्या है। जैसे आज मैं इस वीडियो के अंदर स्ट्रो रिपर लगे हुए हैं दो, एक ये पावर ट्रैक यूरो 60 है सुपर मैक्स ट्रैक्टर, और एक है अपना स्वराज 855 एफई ट्रैक्टर है। ये दोनों ट्रैक्टर पीछे एक कंपनी के स्ट्रो रिपर हैं, तो इन पर दिखाऊँगा आपको मैं कि कौन सा स्टोरी, मतलब स्टोरी पर के चक्कर कैसे मैच करवाने हैं। आप रोटावेटर को भी वैसे ही मैच करवा सकते हो, ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है। और कुछ जैसे पावर ट्रैक के अंदर एक अलग से भाई ने हीट गार्ड वगैरह एक अलग सी एक रिसर्च कर रखी है, और कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर पर स्टोरी पर जब आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखो सिर्फ इस सीज़न पर, क्योंकि इसमें डस्ट ज़्यादा होता है। पहले जैसे हम बात करें स्टोरी पर की, और स्टोरी पर में क्या होता है, मतलब राउंड चक्कर मैच करवाने की, स्ट्रोरी पर के चक्कर मैच करवाने में क्या होता है कि आजकल गियर बॉक्स अलग अलग आने लग गए ट्रैक्टर में स्ट्रोरी पर में। जैसे किसी में तो क्या होता है, जैसे पीटीओ के 540 चक्कर हैं और गियर बॉक्स जो निकालेगा चक्कर वो भी 540 निकालेगा, तो किसी में क्या है कि 25% एक्स्ट्रा चक्कर बना रहता है, यानी कि जैसे पीटीओ के 540 चक्कर हुए तो वहाँ पर 25% चक्कर एक्स्ट्रा, जिसको सवा गियर बॉक्स बोल देते हैं, 1.25। जैसे इसका राउंड होगा पीटीओ का एक राउंड हो गया, और गियर बॉक्स जो आगे निकालेगा वो निकालेगा 1.25। और किसी में क्या होगा, डेढ़ गियर का गियर बॉक्स होता है, जैसे पीटीओ का एक चक्कर और अपना जो गियर बॉक्स निकालेगा वो निकालेगा डेढ़ चक्कर, 1.5 चक्कर निकाल देगा। और किसी में होता है 1.25 का गियर बॉक्स भी, जिससे क्या है ट्रैक्टर कम रेस पर चले और रिपर के अपने चक्कर पूरे हो जाएं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर हो और किसी भी इम्प्लीमेंट पर आप चलाना चाहते हो, हैरो है, कोई भी इम्प्लीमेंट हुआ पीटीओ का है किसी भी तरीके का, सबसे पहले उस ट्रैक्टर के आइडियल आरपीएम पता करो। वो पता करो कि ट्रैक्टर किस आरपीएम पे, कितने आरपीएम पे सबसे ज़्यादा अपने टॉर्क पैदा करता है ट्रैक्टर का इंजन। एक अपना आरपीएम होता है ट्रैक्टर का, ये एजेंसी वाले से आप किसी से पूछ सकते हो, वे ट्रैक्टर मेरा कितने आरपीएम पे सबसे ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है। आप उस ट्रैक्टर को उसी आरपीएम पे चलाओगे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ताकत बना रहा होगा ट्रैक्टर। अगर आप रेस ज़्यादा करोगे तो ताकत अपने आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो अपना एक अलग चक्कर है। तो क्योंकि कंपनी टेस्ट करती है लैब में इनको, और उसमें पता लगाती है एक आरपीएम पे ये सबसे ज़्यादा टॉर्क निकाल रहा है, ताकत पैदा कर रहा होता है। पहली बात तो जैसे गियर बॉक्स हैं जो अपने अलग अलग होते हैं, वह एक तो सिंपल 540 का 540, किसी में क्या 25% एक्स्ट्रा होते हैं, किसी में 50% एक्स्ट्रा होते हैं, वो चक्कर हो जाते हैं बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, किसी में 75% एक्स्ट्रा चक्कर बढ़ जाते हैं। किसी भी का भी गियर बॉक्स, कोई भी गियर बॉक्स है, उसके चक्कर मैच करवाने सबसे आसान मैनुअल जो तरीका है, या तो ये है भाई आप टैकोमीटर से इस पर निशान लगा, वो रिफ्लेक्टर लगाओ और टैकोमीटर से पता लगा लो, या फिर वो एक फिजिकली टैकोमीटर आता है जो कि गिरारी वाला होता है, उस पर टच करो इसके अंदर लगा के और उससे पता कर सकते हो। और सब सिंपल क्या है, गिरारी मतलब कौन सी सापट चढ़ानी है, कितने नंबर पुली चढ़ेंगी, छोटी पुली मतलब थ्रेसर वाली पुली कितने नंबर होगी, और गियर बॉक्स पे कितने नंबर पुली होगी, इनका भी मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपको पता करना है आपके स्ट्रो रिपर के चक्कर, रोटावेटर है तो रोटावेटर के चक्कर कि आपके रोटावेटर के चक्कर कितने होते हैं, या फिर जैसे स्ट्रो रिपर की बात करें, तब इसके चक्कर जैसे मेरे को जितना पता है इसके 650 चक्कर होते हैं अपने, और हर कंपनी का अलग अलग होता है, स्ट्रो रिपर के किसी के 750 भी होते हैं, किसी का 800 भी होते हैं, वो अपना अलग अलग डिजाइनिंग है, अलग अलग सबके अलग अलग अपने अपने चक्कर हैं। तो इस स्ट्रो रिपर के 650 चक्कर बना रखे हैं, और ये जो गियर बॉक्स है ये सवा का गियर बॉक्स है, यानी कि 25% एक्स्ट्रा चक्कर वहाँ बनाया गया पुली के अंदर। और इसके चक्कर मैच करवाने सबसे आसान तरीका क्या है, आपने जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने ये कातर लगा दिए, ये कपड़ा बांध दिया इसके ऊपर, और या फिर आप जैसे कपड़ा नहीं भी है तो आप इस पर कोई भी जैसे मिट्टी का निशान लगा लो, आप इस पर मिट्टी का निशान लगा दिया और इसको आप हाथ से घुमाओगे, जैसे ये हाथ से घूमना वैसे मुश्किल है क्योंकि पीछे ये स्टोरी पर जुड़ा हुआ है, अगर खाली होगा ना नया होगा फिर जैसे थोड़ा सा ताकत लगाने से आप इसको घुमा सकते हो। आप इसको घुमाओगे, जब घुमाने के बाद इसका पूरा एक राउंड ऐसे घुमा के यहाँ ले आए, आपने बिल्कुल एकदम इसकी नट की सीध में ले आए, जैसे जब आप घुमाओगे तो इसका एक राउंड हो गया, आपने ये चेक कर लिया। और क्या है, दूसरा एक भाई यहाँ से इसका चक्कर देखा, भाई मैंने एक चक्कर इसका लगवा दिया, और जो दूसरा है वो इस पुली पर अपना वो कर लेगा,
इस पर भी एक ऐसे निशान लगा लेगा या कपड़ा बांध लेगा या कोई पेन से या मिट्टी के उससे एक इस पर निशान लगा लेगा। एक अगर हम वहाँ उसका पीटीओ सापट का एक चक्कर घुमाएंगे तो ये सवा चक्कर जाए, क्योंकि इस पर सवा का गियर बॉक्स है, तो ये क्या 25% आगे जाएगा चक्कर, सिंपल सा 25% आगे चली जाएगी ये गिरहरी, मतलब एक राउंड पूरा करके उससे आगे जाएगी। डेढ़ वाले में क्या है, जितना इसने चक्कर किया पूरा ये चक्कर जो किया कंप्लीट किया है इसका आधा पहुंच जाएगी, आधे पे पहुंच जाएगी। जैसे कि क्या है, जैसे एक ये सर्कल है ठीक है, पूरी गोल होती है, आपने जो क्या है 500 अगर ये सिंगल जैसे 540 का गेयर बॉक्स है, मतलब बिल्कुल सिंगल का जो गेयर बॉक्स को बोलते हैं, एक सवा का, एक डेढ़ का, एक पौने दो का, सिंगल वाले में क्या होगा, यहाँ से चला तो ही घूम के ही वहीं पहुँचेगी। ये तो हो गया सेम, जो पीटीओ चक्कर है वही गियर बॉक्स ने आगे चक्कर निकाल दिए। अगर 25% होगा तो वो थोड़ा सा यहाँ से जाके रुकेगा, इसके बीच में आएगा, क्योंकि आप इसको अगर डिवाइड कर लेते हो ऐसे तो ये 25% इसका ये बनेगा यहाँ पे, ये पूरा एक जैसे एक आप पीटीओ वहाँ से घुमा रहे हो, पीटीओ का एक चक्कर कर दिया और गियर बॉक्स यहाँ से घूम के और इतना आगे आगे रुकेगा, इससे आप पता लगा सकते हो सवा गियर बॉक्स है। उसके बाद डेढ़ का गियर बॉक्स है तो घूम के यहाँ के बजाय वो यहाँ रुकेगा, और पौने दो का तो यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये तो हो गए पीटीओ के चक्कर, और पीटीओ के चक्कर अब जैसे ये तो होगा गियर बॉक्स का पता लग जाएगा कितने चक्कर कैसे मैच करें उसके। फिर दूसरी बात आती है भाई इनके चक्कर कैसे मैच करवाएं, भाई कितने नंबर पुली इस पे चढ़ेगी, जो गियर बॉक्स आती है पुली उस पे चढ़ेगी, और कितने नंबर पुली थ्रेसर पे चढ़ेगी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि भाई जैसे ट्रैक्टर के आपने आरपीएम का पता लगा लिया कि जो पीटीओ के सापट हैं वो हैं 540 चक्कर आपने बना दिए, यानी कि किसी भी ट्रैक्टर के आपने जैसा अभी आप कैलकुलेटर निकाल लो या फिर कॉपी पेन पे आप लिख सकते हो भाई ट्रैक्टर के जो हमने ये जो ट्रैक्टर है पीटीओ चक्कर हैं ये हमने जैसे मान के चलो एस्कॉर्ट का है तो इसका ज़्यादातर 1810 आरपीएम पे अपने 540 चक्कर पूरे कर देता है, क्लेम कर दिया कंपनी, थोड़ा मैंने चेक किया है वो लगभग इसी पे अपने 540 चक्कर पूरे बना देता है, वो ट्रैक्टर आरपीएम अलग है। तो अपने 540 चक्कर पीटीओ के बनाए, उसके बाद इस पे गियर बॉक्स है सवा का, तो इसमें क्या होगा 540 गुणा में 1.25% एक्स्ट्रा ना, तो 1.25 आप गुणा करोगे तो इसका हो जाएगा 675, यानी कि जब ट्रैक्टर अपने पीटीओ के 540 चक्कर बनाएगा तो सवा के गियर बॉक्स में यहाँ पे 675 चक्कर हो जाएंगे, इस पुली के 675 चक्कर हो गए, और वो चक्कर हमने मैच करवाने हैं इसके। उसके बाद आ गई बात यह पुली, इस पुली पे कितना चढ़ा जिससे थ्रेसर के चक्कर बन जाए, क्यों हमने क्या है गियर बॉक्स ने हमारे जो निकाल दिए वो निकाल दिए 675 चक्कर निकाल दिए यहाँ पे। जैसे हमने इस पर चढ़ा रखी है कितने की पुली है संजय, 12 की पुली इस पर चढ़ा रखी है, तो हाँ 12 की ना गुण 675 गियर बॉक्स ने क्या है 675 चक्कर में गुणा में कर दिया हमने 12 गुणा में 12 हो गया, तो इसके टोटल हो गए 8100 चक्कर। जो ये पुली घूमेगी ना यहाँ पे 8100 चक्कर बना देगी, जो साइज़ बड़ा होने के कारण 12 इंच की पुली है ये, इस पर 12 इंच की पुली चढ़ने पर इसके चक्कर जो है 8100 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हमने 9 इंच की पुली चढ़ा रखी है, जैसे इस पर 9 इंच पुली है तो इसको हम भाग दे देंगे 9 से, भाग में 9 ये आ जाएंगे 729 चक्कर आ गए इसके, 729 चक्कर आ गए थ्रेसर के। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ फार्मूला क्या है, पीटीओ चक्कर गुणा में जितनी ये पुली है, जैसे अब सवा का गियर बॉक्स है तो पहले हम पीटीओ के का और गियर बॉक्स से चक्कर मैच करवा देंगे, भाई गियर बॉक्स कितने चक्कर बना रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लें डेढ़ का है तो 540 गुणा में 1.5, अगर पौने दो का है 540 गुणा में 1.75, तो इतने ये चक्कर यहाँ फाइनल जो इस रोड पे आएंगे वो इस पे आएंगे, इतने चक्कर बन गए। उसके बाद पुली चढ़ेगी जैसे 12 इंच की होगी, अब 540 है सिंगल वाले गियर बॉक्स की बात करें हम भाई, जैसे 540 चक्कर उसके हैं, 540 चक्कर ही गियर बॉक्स बना रहा है, तो 540 तो हो गए यहाँ पे चक्कर हो गए अपने हाँ मेन पुली के 540 गुणा में हमने क्या है इस पर 12 इंच की पुली चढ़ा दी, इसका गुणा कर देंगे 12 इंच से, क्योंकि इसने क्या है यहाँ 12 गुणा चक्कर इसके बढ़ा दिए, तो गुणा में 12 इंच हो गया। एक मिनट रुक जाओ कलर बड़ होगी 540 अरे टच हो जाना यार, गुणा में 12 ये तो हो गया, इसमें क्या है इसने 12 गुना चक्कर इसके बढ़ा दिए, तो उसके बाद यहाँ क्या करें आपने 9 इंच की जैसे पुली चढ़ा रखी इस पर, तो भाग में इसको डिवाइड कर दो, इन चक्करों को इन 9 को इससे डिवाइड कर दो, जैसे भाग में 540 गुना में 12 भाग में 9 आ जा भाई, अच्छा वो आगे हो गया थोड़ा
कर रहा, मेरे हाथ पर डस्ट लग गया ना, चक्कर में काम नहीं कर रहा। 540 गुणा में 12 भाग में 9 इजिकल टू हो गया 583.2 चक्कर बनेंगे थ्रेसर के, जो ये पुली बन गई। अब इसमें क्या है, गियर बॉक्स इसमें है वो अपना, और जो ये सवा गया गियर बॉक्स और डेढ़ का गियर बॉक्स और 1.5 के क्यों दिए जाते हैं, मेन चीज़ क्या है जिससे ट्रैक्टर क्या है कम आरपीएम पे अपना लोड उठा सके और इसको ट्रैक्टर स्टोरी पर अपने पूरे चक्कर बना ले, इसलिए बनाया जाता है। हर ट्रैक्टर का अपना अपना एक अलग चक्कर होता है, हर ट्रैक्टर के अपने आरपीएम होते हैं जिस पर वो ट्रैक्टर अपने ज़्यादा ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है। जो अपना संजय एक चीज़ बता, जो तेरी नॉलेज में है जितने भी, जैसे शाम्य की तेरे साथ प्रॉब्लम थी, श्यामे भाई आपने कौन सी गहराई चढ़ाई जिस तरह चले, जो उसमें है एक का गियर है 503 है ना, श्यामे 603 श्यामे का गियर है, अच्छा एक का गियर बॉक्स है, तो उसमें 14 नौ की पड़ी, अच्छा 14 नौ की पुली, सही फर्स्ट क्लास चली गई, सारा ट्रैक्टर में दूसरे गियर में चल रहा है, पहले में चल रहा है। अरे स्वराज में कितने नंबर की पुली है, इसमें है 14 नौ की, अच्छा स्वराज 855 में भी 14 नौ की चला है, सवा का गियर बॉक्स है, अच्छा इसमें भी सवा का गियर बॉक्स है, आप वाले में सवा का गियर बॉक्स है, उसमें शामी वाले में एक का गियर है, ये जैसे इसका सवा का गियर बॉक्स है, वैसे तो अपने 1810 आरपीएम पर चल के अपने पूरे 540 चक्कर बना होगा, तो आप इसने जैसे सवा गियर बॉक्स है उसके चक्कर बढ़ गए, उसके चक्कर बढ़ रहे हैं, तो आप कितनी रेस पर चला हो अभी इसने, 17 की रेस पे, क्या अपना ट्रैक्टर पूरे स्टोरी पर के चक्कर पूरे बना देता है, चक्कर बना के अपने आराम चल रहा है, ट्रैक्टर ना दबता ना, और दूसरे में गियर में चल रहा है, पहले में चल रहा है, ठीक है, सही सूखा लाना जाएगा और 5-6 दिन में सही सूख जाएगा, 14 नौ पड़ी चलाऊंगा मैं अपनी, अच्छा फिर 14 नौ फिर वो तो आपके चक्कर बढ़ जाएंगे ना, उसके बढ़ जा रहा है, पर के ट्रैक्टर है तो को सा गियर गाल लगे, ट्रैक्टर दब बनेगा फिर, हम मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर का गियर बढ़ा दिया उससे तो ये फायदा है ना, मान के चलो आपने 10 फुट का एरिया कवर करना है, अब आप जैसे 1700 आरपीएम चला रहे हो उसके अपने पूरे 650 चक्कर बना रहे हो स्टोरी पर के, अब तो आप चल रहे हो लोगे पहले गियर में, एक 10 फुट एरिया कवर करने में माने चलो आप 30 सेकंड ले रहे हो, फिर क्या करोगे आप लोगों का दूसरा या तीसरा डाल दोगे, माने चलो दूसरा ला दिया, तीसरे में तो चलते ना कोई भी ट्रैक्टर हो चाहे, अच्छा तीसरे में चल रहे बहुत कमाओ, डोली डाली लेनी बेच सकते हैं, अच्छा तीसरे में चल नहीं है कोई भी ट्रैक्टर, चलो मतलब लोगे दूसरे में चला दिया आपने, दूसरे में चलाए पीछे तो क्या होगा भाई, 10 फुट का एरिया आपने पहले में तो 30 सेकंड में कवर किया, दूसरे में हो सकता है आप 15 सेकंड या 17 सेकंड में आप या 20 सेकंड में जैसे तय करोगे, तो उस एरिए को कवर करने के लिए चक्कर उतने बनाने के लिए हमने स्टोरी पर के चक्कर बढ़ाने पड़े, और स्टोरी पर के चक्कर सीधी सी बात है जो 540 तो हो गए मेन सापट के हमारे, गेयर बॉक्स अगर एक का है तो सेम टू सेम पुली में 540 पहुंच गया, कंपनी चक्कर बढ़ा के दे है ना, तो पहले गियर के बढ़ा के दे है, अच्छा अच्छा दूसरे गियर कोई कंपनी बढ़ाए दूसरे चक्कर में चल रहा, दूसरा गियर लेगा ट्रैक्टर पहले में लेंगे सब, अच्छा पहले वाले में ले, पहले गियर चक्कर बढ़ा दें दूसरा गियर बढ़ा के देंगे, अच्छा उससे फिर आपने खुद पुली बढ़ानी पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, नहीं वैसे मैनुअल अगर बढ़ाना चाहो पुली चक्कर मैच करवाना चाहो है तो फार्मूला भी यही है, फार्मूला यही है ट्रैक्टर का चक्कर काटा है कितने रेस पे, हाँ हाँ आरपीएम पूरे कर है, वो गियर बॉक्स देखो कहेगा सवा का सापट है लता बांध लो पड़ी का काट लो, सापट में चक्कर काट के देख लो पड़ी ने कितना गियर काटा है, पड़ी तो सवा गियर काटे सवा का गियर बॉक्स है उसके हिसाब से हो जाएगा, डेढ़ का बता देगा मोर नुकता आ जाएगा भाई इतने पर ही गियर बॉक्स सवा का डेढ़ का पौने का, अच्छा अच्छा ये तो हो गया, मेन है हमने स्टोरी पर चक्कर पता होने चाहिए कितने चक्कर पर स्टोरी पर चलेगा, यो चक्कर स्टोरी पर है यो इन जो थ्रेसर हो ना मेन, हाँ हाँ 850-900 के बीच में चल जाएंगे, नहीं वो तो ज्यादा हो जाए 650 का है ज्यादा तो राइट तो है, तो पर हर कंपनी अपना अपना का है बना के दे है, हाँ हाँ अगर 850 का ही थ्रेसर मांगा है कोई भी थ्रेसर है 890 थ्रेसर उठ जाएगा उसके ऊपर चलाओगे टूट फूट हो, अच्छा उससे ऊपर चलाओगे तो टूट फूट करे करेगा पक्का, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाए हो जाएगा पंखा ही ज्यादा हो गया हवा की कुछ बढ़ जाएगा उन्हें फिर ट्रैक्टर में इतना आगे कट रखे तब इतना पट चलता रहेगा, हाँ कहीं ना कहीं से जैसे पत्ती है वो पट जाएगी चेसी भले टूट जाएगा, तड़क भड़क के होगी भाई, अच्छा तड़क भड़क मतलब कुल मिलाकर जैसे जो जो आपका ये रिपर है इसके साथ 650 चक्कर है इसके, तो इतने में अपने हिसाब से बना रहा हूं ना, कंपनी वाले पूछ रहा कि हम किए थे अपने हिसाब से बना रहे हैं, पर मतलब सबसे पहले क्या है सबसे पहले कंपनी वाला ये पूछो थ्रेसर के कितने चक्कर होने चाहिए, फिर कंपनी वाले बोले 900 चक्कर होने चाहिए, हां हां 900 चक्कर में कौन बातें कर ना कोने बड़ा हाल करते हैं 900 चक्कर में, अब तोड़ फोड़ करता रहा फायदा नहीं उससे फालतू नुकसान हो जाएगा, नुकसान ज्यादा होगा अपने ठीक भी हो काट है मालो 6×12 110 लीटर में 9 ट्रेली काट है, 110 लीटर में 9 ट्रेली निकाल दे, कितने बड़ी ट्रॉली 75 मन की ट्रेली है, अच्छा 75 मन वाली ट्रेली 75 77 किसी में वो एक अलग आईडिया है, तो लमसम आईडिया है भाई सारिया का, अच्छा अच्छा 9 लीटर में काट है, 9 ट्रेली काट दे 110 लीटर में
ठीक ठीक। एक आपने जो ट्रैक्टर पे हीट गार्ड वाला सिस्टम जो लगा, इसका क्या फायदा है? अच्छा ये यहाँ तक है, ये आपने यहाँ पत्ती लगा दी, वेल्ड करवा दी इसका सीधी चैनल का मैंने जो मैंने छतरी दबा रखी इसके वेल्ड करा दी ना, ट्रैक्टर में दिक्कत आ ट्रैक्टर वेल्डिंग हो रही है ना, और कुछ इसका होगा सीधा। अच्छा इसका वेल्ड हो गया अभी, इस पर क्या है जो ट्रैक्टर की जो पंखा गर्मी फेंक का है, गोटे आदमी जाओ नहीं इंजन गर्मी आड़े रह लेगी, सारी गर्मी यही रह ले इंजन गर्मी सीधे ड्राइवर को जाओ। एक जैसे ट्रैक्टर के रिंग का क्या सिस्टम है, रिपर में आप क्या किस किन चीजें ध्यान देना चाहिए? रिपर में एक तो एयर कैलेंडर है, ये सूखा रखना ही चाहिए, तेल ना लगाओ अपना। अगर मान लो किसी ने सूखा रख भी रखा, कंपनी दे रही है, तो भाई अगला क्यों बदलेगा? सूखा रख लिया फिर उसको तो दिन में दो तीन बार चेक करो। अच्छा दो तीन बार उसने साफ करते रहो दिन में, क्योंकि जब उसका हमें है हमारे हाथ को नाक पाद रखा है साथ नहीं मिल रहा था हम दब जाएंगे। एक और भी चीज है ना जी, देखो सूखे एयर क्लीनर का ऐसा, जैसे अपने नाक हो गए नाका में, जैसे थोड़ी देर में देखा था ऐसे इतना डस्ट ज्यादा हो, कितना डस्ट जमा हो जाए है ना, एक बार शीशा साफ करता हूँ दिन में। अच्छा ये ऑयल वाला लगा रखा है आपने? ऑयल वाला लगा रखा है, कंपनी सूखा दे रखा था, वो बोले सूखा चला मैं सूखा हम नहीं चला, मैं ऑयल का चलाऊंगा अपना। ऑयल वाले में क्या फायदा रहा है? ऑयल वाले में जितनी गंदगी जाएगी असल में शीशे में रह ले है, और जो जाएगी नहीं तो ऑयल में जम जाएगी। अच्छा ऑयल में क्या हो, गिल्ला है जैसे पानी टाइप में होगा तो जम जाएगी, वो एड में नहीं जाएगी। हाँ ऐड में नहीं जा पाओगी, ऐड में जाएगी तो ऐड में रहेगा। अगर दोनों लगा ले तो, जैसे पहले ऑयल का लगा दिया उसके बाद ड्राइव लगा लिया बंदे ने, नहीं फिर वो तो फिर एक काम और होगा ना, जो उसमें दो सराख हो गए नीचे हो गया, एक जो ट्यूब लग गई उसकी मछले वाली सूखे फिल्टर की, उसमें गवा लेगा अगर फिर खींचेगा फायदा क्या फिर उसका? हाँ सही कह रहे हो, बीच में खींचेगा वो, पूरे खींचेगा वो, जगाड़ करे क्यों करा दे, तेल वाले दाग करो जगाड़ ने, तेल वाले तो पहले करो। हाँ सही कह, वो पहले अगर ड्राई लगा ले फिर एयर वाला तेल वाले में लगा, फिर वो कति साफ आओगा इंजन में, वो चांस भी खत्म हो जाएंगे, चांस खत्म हो जाएंगे। ईव जो करो काम कर दिया था ट्रैक्टर में, ज्यादा खचाई करनी पड़ेगी ट्रैक्टर ने, फिर उसकी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी, ट्रैक्टर एकदम घुटेगा बिल्कुल, चल नहीं पाऊंगा बिल्कुल, यह बात तो है। ट्रैक्टर अपने आरपीएम में अपने आप तोड़ने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात है भाई, मैं इसके जो फिल्टर है तेल वाले ये भी दो एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, ताकि डस्ट गंदगी नहीं जाए इस मंदिर को पंप में, कोई दिक्कत खराज कल ऐसे मौसम में, चलाओ जी आप चलाओ, आप तो ट्रैक्टर चलाओ एक बार, अगले किले में बांट दे भाई, चला के भी देखेंगे किस के चक्कर मैच हो रहे हैं इससे। यो था भाई मेन क्या है भाई, जैसे जो पुली के चक्कर मैच करवाने का चक्कर है ना, जो सिस्टम है वो सिंपल सा है, 540 हो गए ट्रैक्टर के पीटी हो गए चक्कर, गुणा में हो गए जो गेयर बॉक्स हमारे चक्कर निकाल रहा है वो हो गए, जैसे मान ले गुणा में आपने 12 नंबर की पुली चढ़ा दी यहाँ पर जो गेयर बॉक्स वाली पुली है, और जैसे आपने 9 नंबर पुली चढ़ा दी इसकी थ्रेसर की भाग में 9 कर दो तो उससे थ्रेसर चक्कर आ जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में ये फार्मूला लिख दूंगा इसका, सबसे बड़ी बात तो इसका डिस्क्रिप्शन में फार्मूला लिख दूंगा पूरा, एक गेयर बॉक्स के साथ में, डेढ़ गेयर बॉक्स के साथ में, 2.5 के गेयर बॉक्स के साथ में फार्मूला लिख दूंगा कि भाई उसमें जैसे जो 540 चक्कर वो मैं आपको लिखवा दूँ, पूरा डिटेल में लिख दूंगा कि मैं पुली नंबर पीटी हो गई है सापड़ ने पुली, ये वाली पुली चढ़ागा। देखो मेन क्या है, आपने फाइनली घूम फिर के एंड में अंत में आपने चक्कर मैच करवाने पड़ेंगे स्ट्रो रिपर के, सबसे पहले स्ट्रो रिपर के चक्कर मैच कराओ। संजय ओलैंड में कितने नंबर की चाल है? अच्छा सवा के गेयर बॉक्स में 16-9 की चाल लगी, 14-9 की चाल है। अच्छा 14-9 की भी चला रहे, हाँ हाँ सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं वो काम, वैसे तो सबसे पहले था थ्रेसर के चक्कर मेरा पाड़ो, सबसे मेन चीज तो वह है खैर वो पुराना मॉडल हो गया वो एक अलग चीज, सारी चीज देखते है खर, सबसे बड़ी बात है ना ग्राउंड का जो प्रैक्टिकल है ना वो अलग हो है, ये बात तो है खर, क्योंकि सारी चीजें लैब टेस्टेड हो हैं, तो ये देखो अब इस पर 12-9 की है ना, या
12 की गिरारी है, 1700 RPM पर चलेगा ट्रैक्टर। अभी थोड़ा सा ये ट्रायल है इसका, आप ना डिस्क्रिप्शन में पूरा फार्मूला देख लेना, मैं पूरा फार्मूला डालूंगा आप लोगों के लिए। और इस पर तो खैर टर्बो भी लगा रखी इस ट्रैक्टर पे, एक ये भी खा दिया, तो खैर अपना अपने फीचर है भाई, अपना खुद का फीचर है किसान का, जो कि ट्रैक्टर कम से कम दबाए और ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा है ट्रैक्टर का। और थोड़े दिन में हो सकता तो इसकी माइन का जैसे माइलेज भी निकालूंगा किसी भाई ने, अगर अपने ट्रैक्टर का माइलेज निकलवाना हो तो भाई आप कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देना और एड्रेस बता देना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आके आप लोगों के ट्रैक्टर की माइलेज निकाल दूँ। अभी इस खेत में थोड़ा यहाँ पर इस पोर्शन में चल रहा है, यहाँ पर लान थोड़ा कम है तो इसलिए इसका कोई समाधान नहीं है। चलो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।